हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट अर्निंग एकेडमी। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सवाल ये उठता है कि एग्जाम कब होगा, CSIR कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम तो होगा। अब चाहे आज हो चाहे कल हो, एग्जाम तो होगा। क्या करोगे अगर एग्जाम है हो रहा है तो? तब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एग्जाम हो रहा है आज, कल, परसों, नरसों, एक महीने बाद, दो महीने बाद, क्या कर लोगे? कभी अपने आप से पूछा है कि अगर कल एग्जाम हो गया तो मैं क्या प्रिपेयर्ड हूँ उस एग्जाम को देने के लिए? क्या मैं कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकता हूँ? सब अंदर से पूछ सकते हो। ये जवाब आएगा कि अरे नहीं, अभी तो प्रिपरेशन नहीं। तो करोगे कब? इतने दिनों से लॉकडाउन लगा है, इतने दिनों से सब कुछ शिफ्ट हो रहा है या आगे पोस्टपोन हो रहा है। वेयर इज योर प्रिपरेशन? आपको लगता है 6 महीने से अगर आपने कुछ नहीं उखाड़ा है तो 1 महीने में बड़ा कुछ उखाड़ लोगे? जिस एग्जाम की डेट की पोस्टपोन होने की खुशी आप लोग मना रहे हैं कि चलो भैया गलती से डेट आ गया था, गलती से चीज़ें आ गई थी, यस, खुश होना वाजमी है या लाजमी है, जो भी आप बोलना चाहो, वाजिब है या लाजमी है, ठीक है। लेकिन लिटरली अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो आपको जो नवंबर में उन्होंने डेट दिया हुआ है, जो जनरल डेट जो कि प्रेडिक्शन में चल रहा है, कितना टाइम बचेगा? अगर सितंबर में उन्होंने लास्ट में जैसे गलती से मिस्टेक हुआ था, उसके बाद कितना, 1 महीना? 1 महीना में क्या करोगे? अगर अभी भी नहीं सुधरोगे, क्या करने का मतलब? आई मीन टू से, अगर 6 महीने में कुछ नहीं किया तो 1 महीना में क्या ही उखाड़ लोगे? उखाड़ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन सुधरना बहुत ज़रूरी है। अगर सुधरोगे ही नहीं, अगर सीखोगे ही नहीं, अगर पता लगा अभी भी यही है कि भैया जब एग्जाम डेट डिसाइड होगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो हो चुका कल्याण। एग्जाम तो होगा, ठीक है। अल्टीमेटली मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एग्जाम तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन एग्जाम तो होगा। जब एग्जाम होगा तो अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करोगे? आज, अभी से। ये नहीं कि जब तक एग्जाम डेट डिसाइड नहीं होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि नवंबर में एग्जाम होगा। जिस तरीके से NTA ने अगर IIT मेडिकल और इन सब के एग्जाम्स कंडक्ट करा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है IIT के एडवांस में 2.5 लाख लोग अपीयर होंगे और 2.5 लाख 3 लाख लोग तो आपके CSIR में हो जाते हैं, तो क्या NTA करा नहीं सकता कंडक्ट उसको? वैसे भी 12 पास वालों से एग्जाम करवा लिया तो MSc पास वालों से नहीं करवा देगा? वो तो ज़्यादा मेच्योर है, वो तो ज़्यादा अच्छे हैं कि भैया समझते हैं, चलो भैया अपने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, मास्क लगा लो, ये सारी चीज़ें करो। जब ये चीज़ करवा सकता है तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम जब होगा तब, अब सवाल ये उठता है कि कब, तब तक क्या गुजरेगा आपके मन पे? तब भी चाहोगे कि नहीं टले? तब भी चाहोगे? कितना देर तक टलोगे? आपको अपने करियर की थोड़ी सी अगर होगा कि बेटर कि देखो कोविड जो है वो तो चलता रहेगा, आज नहीं तो इससे पहले, ऐसा नहीं कि कोई डिजीज या कोई पैंडेमिक नहीं है, इससे पहले ऐसा नहीं कि आप कभी हॉस्पिटल या कहीं गए नहीं हो, ऐसा नहीं है कि किसी को कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा, किसी ने कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई होगी लाइफ में। ऑलमोस्ट हर किसी ने किसी स्टेज पे फीवर के थ्रू गुजरे हैं, खांसी हुई है, सर्दी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हम अपनी लाइफ रोक के तो नहीं बैठ गए थे कि हाँ मैम लाइफ रोक लेंगे और बैठ जाएंगे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि हर चीज को पॉज कर लिया और बैठ गए। सोल्यूशन ये है कि जो समय अब बचा है उस समय का सही यूटिलाइज करो। ये मान लो कि एग्जाम हो रहा है और इस तरीके से पढ़ाई करो कि अगर मेरे पास किसी दिन भी डेट अगर ये भी अनाउंस कर दे कि कल एग्जाम होगा ना, तो भी मेरे पास इतनी तैयारी होनी चाहिए कि मैं कह सकूं या मैं कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकूं एग्जाम को। तो उसके लिए आज और अभी से लगना पड़ेगा। उसके लिए समय का वेट नहीं करना है कि हाँ भैया हम बाद में वेट करेंगे, तब करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, आई डोंट नो। ये जो है फ्यूचर पे अगर टालते रहोगे ना, कल कभी नहीं आता, वो लिटरली वो सही बात है, क्योंकि कल में जाओगे तो कल फिर आज बन जाता है, टुमारो जो होगा वो प्रेजेंट बन जाएगा, प्रेजेंट जो यस्टरडे बन जाएगा, फिर उसके टुमारो पे जाओगे वो भी प्रेजेंट बन जाएगा, तो आपका कल कभी नहीं आएगा लिटरली। आप जैसे आज कर रहे हो ना, जैसे आज गुजारते हो, आपका फ्यूचर भी ऐसे ही गुजरता है, फ्यूचर कभी नहीं बदलता है। आप आज को कैसे गुजार रहे हो यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। यही कहते हैं ना कि अगर मेरा प्रेजेंट ऐसा चल रहा है तो टुमारो जो प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा तो भी वैसा ही चलेगा। इसलिए आज जो अभी जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, टारगेट टेबल बनाओ और लग जाओ अपनी पढ़ाई के लिए, अपने शेड्यूल्स को, अपने टाइम टेबल्स को, अपने डेट्स को, जो भी करना है कि मुझे 10 यूनिट टारगेट करना है, 9 करना, 8 करना है, क्या क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, अनअकैडमी पढ़ना है, किसी XYZ कोचिंग से पढ़ना है, फ्री पढ़ना है, वॉट एवर, सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी आपको करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे ना, तो डेफिनेट सी बात है कि लेट हो जाएगा। कहते हैं ना कि अब वो समय नहीं है,
जब आप ऐसे रिस्क ले सको या ऐसे कैजुअल के साथ बढ़ सको. नाउ यू हैव टू बी सिंसियर, नॉट सीरियस. हॉस्पिटल नहीं जाना सीरियस होके, सिंसियर बनना है. अगर अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी पूरी जिंदगी के लिए आप एक महीना भी फोकस होके काम नहीं कर सकते तो क्या करोगे यार? कितने एक्सक्यूज निकालोगे? कोविड के अलावा और कितने एक्सक्यूज निकालोगे? कोविड है, ये है, वो है, लाइफ में ये प्रॉब्लम है. कभी इससे पहले प्रॉब्लम नहीं थी या कभी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आप उसके सोल्यूशन पे क्यों नहीं फोकस करते? जो आपके हाथ में है वो क्यों नहीं ट्राई करते? तो उस चीज पे ट्राई करो. फोकस ऑन द थिंग्स, मेक ए, टेक ए फोर शीट पेपर, उस पर टारगेट टेबल बनाओ. डेली का अपना टारगेट डिवाइड करो. मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर एक महीना आपने 3 दिन एक यूनिट पे दोगे तो भी 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. और 3 दिन एक यूनिट पे देके अगर टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 दिन में पढ़ा, 1 दिन में प्रैक्टिस किया तो भी कर सकते हो टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये लेकिन करना चाहोगे तब. जहां चाह वहां रहा वाली बात होती है. तो जैसा चाहा वैसा ही होने वाला है. एक छोटी सी बात बार बार अलग अलग लोग कहते हैं कि जैसे प्लांट जो होता है, कोई भी प्लांटेशन आप करते हैं, अगर मैंने जमीन पे नीम की जो है सीड को गिरा दिया, कल पे नीम का प्लांट वहां से छोटा छोटा पौधा होगा, बड़ा हुआ तो उससे जो है मेरे को आम का फल मिलने लगेगा, है ना? बिल्कुल नहीं. अगर नीम का पौधा है ना, वो लगाया था तो नीम ही मिलने वाला है, आम नहीं मिलेगा. अगर आम का बीज लगाओगे ना तो आम मिलने वाला है. अगर किसी और प्लांट का बीज लगाओगे वो मिलेगा. ये सीड जो होते हैं, दैट इज अवर थॉट्स, अवर वर्क. जो अभी एक महीना जिस जो सीड आप अपने लाइफ में, अपने जमीर में, अपने जमीन में बोओगे ना, वही फल आपको आफ्टर एग्जामिनेशन या आफ्टर लाइक जो भी होगा CSIR, ICR, व्हाटएवर यू आर गिविंग, उसके बाद आपको मिलेगा. अभी भी बोल रहा हूं, जो बीत गई सो बीत गई, उस बात को लेकर रोना क्या, जब मानुष जीवन पाया है फिर पाना क्या और खोना क्या. तो अभी भी जो हो गया सो हो गया, अभी जो हाथ में है ना उसको सही कर लो. बस अभी जो सिर्फ प्रेजेंट को सही करते जाओ, आपका फ्यूचर अपने आप परफेक्ट हो जाएगा. जस्ट बी इन योर प्रेजेंट, हैप्पी एज मच एज यू कैन, डू फॉर योर करियर, डू फॉर योर सेल्फ, क्योंकि नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर लाइक फॉर यू. ये आपके लिए कोई नहीं करने वाला है, आपको ही करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं. सो मैं बार बार यही कहता हूं कि इट्स टोटली अप टू यू. एग्जाम तो होगा, करना तो होगा, मरना तो होगा, लड़ना तो होगा, एग्जाम तो होगा. आज नहीं, कल तो होगा, एग्जाम तो होगा. इसलिए बेटा उठ जाओ, लग जाओ और जी जान लगा दो एग्जाम को फोड़ने के लिए. ऑल द बेस्ट. एंड मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ता रहूंगा और बताता रहूंगा कि कैसे आप हेल्प कर सकते हैं. अगर आप लिटरली क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ CSIR के लिए अकेडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं. यूज द रेफरल विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.